तिवारी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पे आर न्यूज स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग बता दें कि आज सबसे हट के सबसे जरूरतमंद टॉपिक लेकर आए हूँ आप आज सबके बीच में। वो टॉपिक है पाकिस्तान की। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय लोग खाने खाने के लिए मर रहे हैं। अभी अभी न्यूज आया पाकिस्तान में कि वहाँ पर आटा के लिए मार हो गया है, चावल के लिए मार हो गया है, गेहूँ के लिए मार हो गया है। आपको बता दें कि वहाँ पेट्रोलियम रेट बहुत ज़्यादा गिर गई है। इकोनॉमी रेट में क्या क्या है, कैसे क्या क्या है बताते हैं आपको। आटा वहाँ पर 3000 रुपये किलो हो गया है, दूध वहाँ पर 400 रुपये किलो बिक रहा है। और आपको बता दें कि वहाँ पर चाय जो एक गिलास हम लोग यहाँ पर चाय पीते हैं उसका कीमत वहाँ पर 70 रुपये हो गया है। आपको बता दें कि यही। और इसी बीच वहाँ का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को लेटर लिख के भेजे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लेटर को नहीं पढ़ा ना लेटर को देखा। यही हमारे नरेंद्र मोदी की खासियत। और आपको बता दें कि यही नहीं, नरेंद्र मोदी के नहीं, वो अमेरिका में भी अमेरिका के संसद भवन में गए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं सुना। वहाँ पे फिर वहाँ हाय हाय पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारा लग रहा है। और इसी बीच आपको अभी वहाँ आया न्यूज़ कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा है अमेरिका में। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बीच तो कुछ नहीं रह गया, ना खाने को है ना पीने को है, कुछ नहीं रह गया। सिर्फ वो किसी से हेल्प करना चाहता है कि हेल्प पाना चाहता है। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी अभी जो न्यूज़ आया वो आया है कि पाकिस्तान में जो उग्रवादी रहते हैं वह और भी तैयार हो रहे हैं। वहाँ के लोग वहाँ पर ये कम 12 से लेकर 17 बजे तक अब लोग तैयार हो रहे हैं वहाँ पर उग्रवादी और फंड करने वाले लोग में आप जानते हैं कौन कौन है। फंड वहाँ पर लोग करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर जो फंड करता है वो चीन है। चीन पूरे पाकिस्तान को अब खरीदने जा रहा है। अभी अभी न्यूज आई, आपको बता दें मेरे भाई और बहन। और एक और बीच इसी में युद्ध एक और बीच आया न्यूज कि भारत जो मदद कर रहा है वो तुर्की को बहुत बेहतरीन तरीके से मदद कर रहा है मेरे भाई और बहन। सबसे पहले किसी को तुर्की को मदद करने वाला है तो वह है भारत। मेरी आवाज़ अगर भी ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा तो शेयर करना। धन्यवाद।